चलिए लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा फर्स्ट ऑर्डर उनके इंटीग्रेटेड रेट लॉ, हाफ लाइफ टाइम 75% लाइफ टाइम, 99.9% लाइफ टाइम एंड टी 87.5% लाइफ टाइम। आज उसी के बेसिस पे थोड़ा सा प्रैक्टिस हम लोग करेंगे। एक छोटा सा प्रॉब्लम लेता है, प्रॉब्लम्स फॉर प्रैक्टिस। ये पहला क्वेश्चन है कि 75% फॉर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स हैं, इज 50 मिनट हैं फाइंड टे हाफ T 99.9%, T 7/8 and rate of reaction, कई प्रॉब्लम इसमें साथ है, when concentration of reactant is 0.1 molar for reaction दिया हुआ है A getting converted into B। अब सोचिए इसके T 75% के लिए 50 मिनट टाइम है, हमें हाफ लाइफ टाइम चाहिए, 99.9% लाइफ टाइम चाहिए, टी 7/8 चाहिए जिसको 87.5 बोलते हैं, और रेट ऑफ रिएक्शन चाहिए जब रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन 0.1 हो। इसको कोशिश कर लें फर्स्ट ऑर्डर के लिए। ये चलिए अब इसके सोल्यूशन पे आ जाते हैं हम लोग। आपने कोशिश क्या होगा, बच्चे T 75% और हाफ लाइफ टाइम के बीच रिलेशनशिप बताइए फॉर फर्स्ट ऑर्डर। तो हम लोग ये कह रहे हैं फॉर फर्स्ट ऑर्डर के लिए T 75% इज इक्वल टू, आपने देखा ट्वाइस ऑफ हाफ लाइफ टाइम और ट्वाइस ऑफ टी 50%। अब ये बताइए टी 75% कितना दिया हुआ है, 50 मिनट। सो 50 मिनट इज टी 75%, सो व्हाट शुड बी हाफ लाइफ टाइम फॉर फर्स्ट ऑर्डर। सो टी हाफ आधे हो जाएंगे 50/2, 25 मिनट, 75% का आधा हाफ लाइफ टाइम या हाफ लाइफ टाइम का दोगुना टी 75%। स्पेशली दिस इज फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अभी बताइए हाफ लाइफ टाइम आ गए तो आपने क्या पढ़ा था कि टी 99.9% हाफ लाइफ टाइम के 10 टाइम्स होते हैं। सो हम लोग ये कह रहे हैं टी 99.9% इट मस्ट बी इक्वल टू 10 टाइम्स ऑफ टी हाफ। So this is equal to 10 into 25, this is equal to 250 मिनट। 99.9% रिएक्टेंट को कंज्यूम होने में टोटल टाइम कितने लगेंगे, 10 टाइम्स ऑफ हाफ टाइम। अब बताइए बच्चे व्हाट अबाउट टी 7/8, तो टी 7/8 अगर कैलकुलेट करें
7/8 इट मस्ट बी इक्वल टू थ्राइस ऑफ हाफ लाइफ टाइम, ये आपने देखा 87.5% भी बोलते हैं इसको, अब सब फर्स्ट ऑर्डर में पढ़े हैं। तो अब ये बताइए हाफ लाइफ टाइम तो आ गए कितने 25, तो 3 × 25 इसका मतलब है ये 75 मिनट आ जाएंगे। 87.5% रिएक्शन को कंज्यूम होने में 75 मिनट टाइम लगेगा। अब सवाल है व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन कॉन्सेंट्रेशन इज, द रेट ऑफ रिएक्शन के लिए हमें चाहिए के। अब के का वैल्यू बताइए बच्चे, तो हम लोग कहेंगे टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाय के। सो व्हाट इज वैल्यू ऑफ के, इट इज 0.693 डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ टाइम, हाफ लाइफ टाइम 25 मिनट आ गए। सो व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन के लिए कहेंगे के इंटू कॉन्सेंट्रेशन टू दी पावर ऑफ 1। ये रेट लॉ एक्सप्रेशन है बच्चे, के वैल्यू आ गए और ए का कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है, तो इसका मतलब हम लोग कहेंगे 0.693 डिवाइडेड बाय 25, ये के का वैल्यू है, इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए दैट इज इक्वल टू 0.1। ये रेट आ जाएगा मोल पर लीटर पर मिनट में, दिस विल बी इन मोल पर लीटर पर मिनट। क्लियर? अगर इनको फिर से पॉज कर ले एक बार, पीछे जाएं उसमें मोबाइल में, फिर एक बार और खुद बना लीजिए, उसके बाद ये सॉल्यूशन को चेक कर लें। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, फिर आगे बढ़ते हैं, नोट कर लीजिए इसको। चलिए सेकंड प्रैक्टिस प्रॉब्लम पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 2, ये दिया रखा है कि रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर के रेट दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑर्डर कोई रिएक्शन है उनके रेट दे रखे हैं, इज 0.04 मोलारिटी पर सेकेंड, ये रेट है एट 10 मिनट, 10 मिनट पर इतना था। एंड रेट ऑफ रिएक्शन का जो रेट है एट 20 मिनट वाज, 20 मिनट में जो रेट है बच्चे इज 0.01 मोलारिटी पर सेकेंड, दिस इज रेट एट 10 मिनट एंड 20 मिनट। आपको यह बताना है फाइंड टी 75% टी 7/8 एंड रेट कॉन्स्टेंट, क्योंकि रेट कॉन्स्टेंट आने से फायदा यह मिलेगा कि किसी भी समय का हम लोग रेट पता भी कर लेंगे, क्योंकि रेट कॉन्स्टेंट इंटू किसी भी समय का कॉन्सेंट्रेशन उस समय का रेट बताएगा। इसको पहले सोच लीजिए बच्चे, आपने पॉज करके सोच लिया। चलिए सॉल्यूशन पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके सॉल्यूशन है, अब हम लोग ये भी पढ़े थे कि फर्स्ट ऑर्डर के लिए टाइम और रेट में, तो हम लोग कहेंगे टाइम इंटरवल T2 माइनस ऑफ T1, ये टाइम इंटरवल है, इसका वैल्यू 2.303, रेट भी एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रहा था, लॉग ऑफ स्टार्टिंग रेट डिवाइडेड बाय रेट फाइनल टाइम T2 है,
ये दो अलग अलग टाइम के लिए रेट ऑफ रिएक्शन है बच्चे। अब इसको बैठा करके टाइम को और रेट को बैठा करके के वैल्यू ले आए, और फर्स्ट ऑर्डर का हर कुछ तो के पर ही डिपेंडेंट है, के पता कर लीजिए। तो इनका मतलब बताइए टाइम इंटरवल, तो कहेंगे 20 और 10, 20 माइनस 10 तो 10 आ गए। दिस इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाय के लॉग ऑफ 10 मिनट वाला रेट, तो वो 0.04 थे। अब 20 मिनट वाला रेट तो 0.01 थे बच्चे। अब ये बताइए व्हाट इज वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट। सो रेट कांस्टेंट के विल बी इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाय 10, 10 को इधर ले आए, लॉग ऑफ 4, लॉग 4 के वैल्यू बताइए 0.6 के लगभग। तो अब ये बताइए बच्चे, अगर हम लोग ऐसा कह रहे हैं व्हाट अबाउट हाफ लाइफ टाइम, उसका दोगुना 30-75% होगा। तो हाफ लाइफ टाइम हम लोग जानते हैं ln 2 बाय 2 ये 0.693 या 0.693 कई तरीके से आपने पढ़ा है, डिवाइडेड बाय के या 2.303 log 2 डिवाइडेड बाय के रेट कांस्टेंट। अब रेट कांस्टेंट का वैल्यू बढ़ा दीजिए, रेट कांस्टेंट तो आ चुका है ना, तो वैल्यू बढ़ा दे, तो हाफ लाइफ टाइम कितने आ गए बच्चे, पहले इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब हाफ लाइफ टाइम का जनरल एक्सप्रेशन हम लोग जानते हैं कई तरह से, ये 2.303 log 2 इन्हीं का वैल्यू 0.693 है या ln 2 है डिवाइडेड बाय k। अब ये बताइए बच्चे ये k का वैल्यू कितना आया है, ये k जो है इनका वैल्यू कितना आया, ये रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर है। अभी अभी हम लोगों ने देखा k के वैल्यू आए थे 2.303 log 4 डिवाइडेड बाय 10, तो k का वैल्यू इसमें रख दीजिए, हाफ लाइफ टाइम आ जाएगा। सो हाफ लाइफ टाइम फॉर दिस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 2.303 log 2 डिवाइडेड बाय k, और k का वैल्यू यहां से रखिए 2.303 log 4 होल डिवाइडेड बाय 10, तो 10 ऊपर चला जाएगा। तो अब ये बताइए इसको सिंप्लीफाई करें तो कितना आ गया बच्चे, यहां आ गया 10 डिवाइडेड बाय ये log 2 है इंटू log 2 और नीचे में 2 log 2 आ जाएंगे बच्चे। सो बताइए कितने आ जाएंगे टोटल, 2 का स्क्वायर 2 log 2। अब ये बताइए टोटल आ जाएंगे इसके 5 मिनट इनके हाफ लाइफ टाइम है, रेट कांस्टेंट के वैल्यू आ चुके हैं, और क्या पता करना था टी 75%। सो बताइए टी 75% या टी 3/4 भी कह सकते हैं, 3/4 को परसेंटेज में इंटू कर दीजिए तो टी 75% हो जाएगा, या टी 75% दिस इज ट्वाइस ऑफ हाफ लाइफ टाइम, और हाफ लाइफ टाइम का ट्वाइस कर लीजिए 10, टी 7/8 हम लोगों ने क्या पढ़ा था ये 3 times होते हैं, तो इसके हाफ लाइफ टाइम के 3 times ऑफ हाफ लाइफ टाइम, सो दिस इज इक्वल टू 3 × 5 दैट इज इक्वल टू 15। अब ये बताइए हर तरह से टी 75% आ गए, रेट कांस्टेंट का वैल्यू आ गया, इसके सभी प्रॉब्लम आ गए, इसको नोट कर लीजिए फिर आगे बढ़ता हूं। चलिए अब अगला प्रैक्टिस प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 3। ये है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंफॉर्मेशन दी गई है, और इनमें टाइम
taken. To reduce concentration. To reduce concentration by 25% is 15 मिनट. कोई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, इसका 25% कॉन्सेंट्रेशन घटाने में जो टाइम है वो 15 मिनट है. यू हैव टू फाइंड आउट टाइम रिक्वायर्ड तो रिड्यूस कॉन्सेंट्रेशन बाय 20% कॉन्सेंट्रेशन को घटाना है तो टाइम कितना लगेगा सोचिए. पहले पॉज कर लें. चलिए अब आपने कुछ सोचा, इसके सोल्यूशन पर आ जाए, कुछ सोचे ही होंगे. फर्स्ट ऑर्डर के लिए टाइम और कॉन्सेंट्रेशन का रिलेशनशिप हम लोग जानते हैं. टाइम टी मान लेते हैं 0 से T तक टाइम इंटरवल है. इनका वैल्यू आ जाएंगे 2.303 डिवाइडेड बाय उस फर्स्ट ऑर्डर का रेट कॉन्स्टेंट के लॉग ऑफ स्टार्टिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, रिएक्टेंट ए माने, डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन आफ्टर टाइम पी या सी नॉट बाय सी टी का. ये जनरल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर के लिए है टाइम का, बहुत सिंपलेस्ट वे. अब ये बताइए परसेंटेज है तो मान लेते हैं स्टार्टिंग 100 से किया तो कितना से रिड्यूस हुए, कितना से रिड्यूस हुए 25 से, कितना टाइम लगा 15, तो टाइम का वैल्यू 15 बैठाइए. दिस इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाय के. इसका मतलब हर कुछ फर्स्ट ऑर्डर के लिए डिपेंडेंट है रेट कॉन्स्टेंट पे, उसी से हर कुछ पता चलेगा, उसी से पता चलता है. बेसिक है रेट कॉन्स्टेंट का जानना. तो आप ये बताइए लॉग ऑफ स्टार्टिंग अगर कह दें 100 तो 100 में से कितना घटा, यहां बचा हुआ वैल्यू लिखेंगे 25 घटा, इनिशियली 100 मानते हैं 25 घटे. सो व्हाट इज वैल्यू ऑफ के बच्चे, 2.303 डिवाइडेड बाय 15 लॉग ऑफ 100 डिवाइडेड बाय 75 या आर सिंपलेस्ट वे में कह दें तो के इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाय 15 लॉग ऑफ 4/25 से 4/3 ये रेट कॉन्स्टेंट की वैल्यू है. अब ये बताइए कि अगर कहा जाए कि के जब आ चुका है करीब 20% घटने में कितना देर लगेगा, सो वो टाइम का वैल्यू अपलाएंगे टाइम फॉर 20% जो कैलकुलेट करना है 2.303 डिवाइडेड बाय के, के वैल्यू आ चुके हैं लॉग ऑफ इन स्टार्टिंग अगर 100 से करें तो फाइनली बताइए कितना बचेगा, 50 बचेगा. सो कैन यू पुट द वैल्यू ऑफ के ओवर हियर. सो हम लोग कह सकते हैं 2.303 डिवाइडेड बाय के, इफ आर गोइंग टू पुट द वैल्यू ऑफ के फॉर द फर्स्ट ऑर्डर थैलिटिक्स इट इज 2.303 डिवाइडेड बाय 15 लॉग ऑफ 4/3 मल्टीप्लाइड बाय लॉग ऑफ 5, 20 से कट कीजिए 5/4. सो दिस इज इक्वल टू ये कैंसिल 15 मल्टीप्लाइड बाय लॉग 5/4 डिवाइडेड बाय लॉग 4/3. लॉग का इनिशियल आपको वैल्यू दिया जाएगा लॉग 5 0.7, लॉग 4 0.6, लॉग 3 0.48 आप जानते हैं, या इसी फॉर्मेट में अगर ऑप्शन दिए गए हैं तो इसको मैच करवा लेंगे. इनका मतलब क्या है कि अगर किसी खास परसेंटेज के लिए टाइम दिया हुआ है
तो दूसरे परसेंटेज का हिसाब किताब ले आएंगे बाय कैलकुलेटिंग ऑफ कैलकुलेटिंग वैल्यू ऑफ के। अगर के पता चल जाए तो हर परसेंटेज के लिए टाइम ले आएंगे और परसेंटेज ज्यादा है तो सबसे अच्छा रहेगा। इनिशियल परसेंटेज मान लीजिए या जैसे आप करना सी नॉट मान लेंगे और सी नॉट में से घटा देंगे सी नॉट के 20%। तो इनका मतलब हम लोग ये कह दे कि इस तरह की प्रॉब्लम तीन टाइप के डिफरेंट प्रॉब्लम्स है फॉर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। फिर चलिए ऐसे ही आपको प्रैक्टिस करने के लिए पीडीएफ फाइल में कई प्रॉब्लम्स दिए जा रहे हैं, इन्हीं के साथ अटैच रहेगा इसी लेक्चर के साथ और इस पर प्रैक्टिस कीजिएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए बच्चे अब तक हम लोगों ने जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर पढ़ा, अब आइए मैथमेटिकल फीचर्स ऑफ फीचर्स ऑफ जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर। इन टेबल फॉर कंपैरिजन, कंपैरिजन कर लेते हैं जो पढ़े हैं उनमें कंपैरिजन कर लेते हैं। कंपैरिजन कर लेते हैं अब इनके जो समरी है उस पर आ जाए मैथमेटिकल फीचर के रूप में। पहला ऑर्डर, एक तरफ टेबल में ऑर्डर, दूसरा रिएक्शंस, रिएक्शंस टाइप्स, इंटीग्रेटेड रेट, पहले डिफरेंशियल रेट फिर इंटीग्रेटेड, फिर इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेटेड रेट, इन सबके फीचर बताते हैं। पहला अगर जीरो ऑर्डर है, रिएक्शन टाइप है रिएक्टेंट गेटिंग कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट आर रिएक्टेंट की प्रोडक्ट, तो डिफरेंशियल रेट बताइए क्या आया, माइनस ऑफ डी आर डिवाइडेड बाय डी टी चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये रेट डिफरेंशियल रेट है। और डिफरेंशियल रेट लॉ से हम लोग जानते हैं जीरो ऑर्डर के लिए ये रेट कॉन्स्टेंट के बराबर होगा क्योंकि आर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का पावर जीरो पे, रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंडेंट नहीं था बिकॉज ये रिएक्शन कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हो रहा था अंडर सैचुरेशन लेवल, हम लोग डिस्कशन खूब किए। अब इनके इंटीग्रेटेड रेट लॉ क्या आए थे, इंटीग्रेट करके तब रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन जीरो टाइम पे आर नॉट माइनस ऑफ आर टी दिस इज इक्वल टू क्या पढ़ा था, रेट कॉन्स्टेंट इंटू टी, ये पढ़ा था बच्चे। अब व्हाट अबाउट फॉर फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या पढ़ा बच्चे, फर्स्ट ऑर्डर के कई एग्जांपल्स भी पढ़ा, रिएक्शन का टाइप वही आर गेटिंग कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, डिफरेंशियल रेट लॉ लिखेंगे चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन आपने पढ़ा है, ये रेट है इंस्टेंटेनियस रेट है और रेट को तो प्रोडक्ट के फॉर्म में भी या रिएक्टेंट के फॉर्म में लिखा जा सकता है, दिस इज इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू द पावर ऑफ वन। सो इंटीग्रेटेड रेट लॉ कितने आए बच्चे, कितने आए, सो के टी इज इक्वल टू 2.303
ऐसे कर लें, केटी इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाय के ऐसे इनटू लॉग ऑफ स्टार्टिंग वैल्यू डिवाइडेड बाय फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। या कह सकते हैं कि टी इज इक्वल टू 2.303, इधर जगह नहीं है तो इधर लिख देते हैं, इनके लिए जो केटी का वैल्यू है वो आएगा इंटीग्रेटेड रेट लॉग 2.3, उसी टेबल में लिखेगा लॉग ऑफ स्टार्टिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टाइम टी। दिस इज द रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अदर फीचर्स ले हम लोग तो अगर कह दें इसके लिए ऑर्डर इनका टी हाफ, फिर प्लॉट फिर यूनिट ऑफ रेट कॉन्स्टेंट यूनिट ऑफ के। तो बताइए ऑर्डर अगर जीरो है तो आपने क्या पढ़ा था, याद है हाफ लाइफ टाइम पढ़े थे आप, तो उनका वैल्यू आया था स्टार्टिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय 2k। अगर कोफिशिएंट इसमें लगा हो ना से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हाफ लाइफ टाइम आ जाएगा उस रिएक्टेंट के लिए। प्लॉट क्या आया था, ये स्ट्रेट आना आए थे, स्ट्रेट प्लॉट किसके थ्रू आया था, ये स्ट्रेट अगर प्लॉट आना है स्ट्रेट प्लॉट तो कहेंगे सी टी या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम के बीच स्ट्रेट प्लॉट आया। यूनिट ऑफ के आए थे मोल पर लीटर पर सेकेंड। इन जनरल या पर यूनिट टाइम, इन जनरल हम लोगों ने पढ़ा था मोल पे पावर 1 माइनस एन, लीटर पे पावर एन माइनस वन, एन का वैल्यू जीरो रख दीजिए तो यूनिट ऑफ के आ जाएगा। ठीक उसी तरह से फर्स्ट ऑर्डर के लिए बताइए बच्चे, फर्स्ट ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ टाइम रिएक्टेंट का स्टार्टिंग कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करेगा। सो सीधा सा था 0.693 या LN2 डिवाइडेड बाय फर्स्ट ऑर्डर का रेट कॉन्सेंट के। इनके लिए यदि कहा जाए एलएन आरटी वर्सेस टाइम का प्लॉट लिया गया तभी स्ट्रेट लाइन आएगा और स्लोप माइनस के आएगा या लॉग बेस 10 सब पढ़े स्लोप का वैल्यू माइनस के डिवाइडेड बाय 2.303 और इनके यूनिट सिर्फ और सिर्फ टाइम इनवर्स या पर सेकेंड आए थे। तो इनका मतलब हम लोग कह रहे हैं ये एक मैथमेटिकल फीचर्स हैं फर्स्ट ऑर्डर के लिए जीरो ऑर्डर के लिए कंपैरिजन आ गए। इसी मैथमेटिकल फीचर्स के अनुसार न्यूमेरिकल को हम लोग सॉल्व करेंगे और इससे ज्यादा जरूरी है कि समझ करके किसी चीज को याद रखना। इतना नोट कर लें फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब फर्स्ट ऑर्डर में मेन चीज हम लोगों ने देखा कि रेट कांस्टेंट का कैलकुलेशन, इसी से रिएक्शन को आधा होने में टाइम हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। 75% लाइफ टाइम का भी कैलकुलेशन हो सकता है, 99.9% का भी कैलकुलेशन हो सकता है, लेकिन मेक इट वेरी वेरी क्लियर कि फर्स्ट ऑर्डर ऐसे रिएक्शन है जिसको पूरा होने में इनफिनाइट टाइम लगेगा, ये भी हम लोग पता कर लिए। तो कम से कम 99.9% तो कैलकुलेट कर ही सकते हैं। 99.9% खत्म होने में कितना टाइम लगेगा हम लोग पता कर सकते हैं, उस केमिकल का एक्सपायरी कितना हो सकता है, ये सब टेक्निकल पार्ट हो जाएंगे। एक्सपायरी डेट वगैरह का कैलकुलेशन फर्स्ट ऑफ ऑल ये डिसाइड करना पड़ेगा कि वो रेट के चलने का रफ्तार स्पीड ऑफ रेट है, रेट ऑफ रिएक्शन है, वो कॉन्सेंट्रेशन के कितने पावर पे डिपेंडेंट है,
और हम लोगों ने अभी दो चीज देखा, जीरो और फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट था रेट कांस्टेंट। अब रेट कांस्टेंट का कैलकुलेशन पे हम लोग चर्चा कर लें। कैलकुलेशन ऑफ रेट कांस्टेंट, फॉर फर्स्ट ऑर्डर, यूजिंग डिफरेंट पैरामीटर्स, अलग अलग पैरामीटर का यूज करके हम लोग रेट कांस्टेंट को पता करेंगे और रेट कांस्टेंट से हर कुछ पता चल जाएगा फर्स्ट ऑर्डर। पहला है कैलकुलेशन ऑफ रेट कांस्टेंट के यूजिंग प्रेशर, का कैलकुलेशन यूजिंग प्रेशर। इफ गैसियस फेज इज इन्वॉल्व, अगर रिएक्शन में गैसियस फेज है तो उनका गैसियस फेज फर्स्ट ऑर्डर के लिए के का कैलकुलेशन कर सकते हैं उनका प्रेशर को नाप करके। अच्छा, गैस में गैस का क्वांटिटी को कैसे मेजर करें? जैसे कार में अगर हवा भरे तो आप क्या टायर को, उसके पहिए को खोल करके क्या आप नापते हो? नहीं, मास नहीं मेजर किया जाता है बल्कि प्रेशर मेजर किया जाता है। प्रेशर के लिए इंस्ट्रूमेंट लगा करके प्रेशर मेजर किया जाता है। तो गैस के लिए बेसिकली क्वांटिटी का मेजरमेंट प्रेशर से आएगा। सो हम लोग ये कह दें फॉर गैसियस फेज, के लिए कह सकते हैं एक आइडियल गैस इक्वेशन है पीवी इज इक्वल टू एन आर पी अंडर सर्टेन कंडीशन। आप जानते हैं ये वैलिड है, थोड़ा बहुत एरर आएगा इसमें लेकिन उतना फर्क बहुत ज्यादा नहीं पड़ेगा। ये तो वंडरवाल गैस इक्वेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं, इसी को आइडियल मान करके चलते हैं। सो पी इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चे, एन बाय वी आर इंटू टी। सो अब ये बताइए एन बाय वी क्या होते हैं बच्चे? एन बाय वी होते हैं मोलारिटी कॉन्सेंट्रेशन। सो पी इज इक्वल टू सी मतलब मोलारिटी कॉन्सेंट्रेशन आर टी, किसके लिए? गैसेस के लिए। तो गैस का कॉन्सेंट्रेशन प्रेशर के रूप में कहा जा सकता है एट गिवन टेम्परेचर। कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू पी डिवाइडेड बाय आर टी और कॉन्सेंट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। हाँ, इतना तो पता है कि बलून में जितना ज्यादा गैस को भरा जाए उतना ही ज्यादा प्रेशर जनरेट होगा। इसका मतलब जितना ज्यादा तो क्वांटिटी जितना ज्यादा आएगा उतना ही ज्यादा प्रेशर होंगे। तो क्वांटिटी का मेजरमेंट गैस के लिए प्रेशर से नापना अच्छा रहेगा। इसलिए फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में ये जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको रिप्लेस कर देंगे प्रेशर में। सो फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या कह सकते हैं बच्चे? फॉर फर्स्ट ऑर्डर, अगर कोई भी फर्स्ट ऑर्डर है रिएक्शन, अगर फर्स्ट ऑर्डर गैसियस रिएक्शन है कोई भी, अगर गैसियस फेज से रिलेटेड है तो इतना कह सकते हैं कि टी इज इक्वल टू जो टाइम इंटरवल है 2.303 डिवाइडेड बाय के उस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट लॉग ऑफ स्टार्टिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी। ये रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन। Can you replace this concentration with pressure?
इन केस ऑफ गैसियस फेज। तो हम कह सकते हैं गैसियस फेज में इसको रिप्लेस करने के लिए सो टी इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाय के लॉग ऑफ स्टार्टिंग कॉन्सेंट्रेशन को कह सकते हैं रिएक्टेंट के लिए स्टार्टिंग प्रेशर, प्रेशर जीरो टाइम डिवाइडेड बाय आरटी, इनको डिवाइड कर दें प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी डिवाइडेड बाय आरटी। सो व्हाट शुड बी फाइनल एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ प्रेशर फॉर गैसेस फेज। सो टी इज इक्वल टू 2 पॉइंट जो टाइम इंटरवल है जीरो से स्टार्ट किया है रिएक्शन को डिवाइडेड बाय के लॉग ऑफ स्टार्टिंग प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी। सो वेयर इसमें हम लोग कह सकते हैं कि पी नॉट और पीटी, पी नॉट एंड पीटी दिस आर प्रेशर। किसका प्रेशर? तो रिएक्टेंट का। फर्स्ट ऑर्डर में टाइम, ये रिएक्टेंट का टाइम का रिलेशनशिप रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन से थे, तो ये दिस इज प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट का प्रेशर है, रिएक्टेंट का प्रेशर है। जूम करके बड़ा करके देख लीजिएगा अगर दिखाई नहीं पड़ा हो तो। तो हम लोग ये कह रहे हैं कि बेसिकली फर्स्ट ऑर्डर के लिए अल्टीमेटली हम लोग ऐसा कह सकते हैं बच्चे, तो कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन कि फर्स्ट ऑर्डर के लिए, फॉर फर्स्ट ऑर्डर अगर गैसियस फेज इन्वॉल्व है, गैसियस रिएक्शन अगर कोई भी गैसियस रिएक्शन है फर्स्ट ऑर्डर में, तो टी टाइम का वैल्यू 2.303 डिवाइडेड बाय के लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रेशर एट जीरो टाइम ऑफ द रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी। ये आ गया बेसिक आ गए। अब इसको नोट कर ले फिर आगे बढ़ा जाए। चलिए अब एक छोटा सा प्रॉब्लम आ जाए प्रेशर के बेसिस पे, और ये छोटे से प्रॉब्लम में कह रहा है फर्स्ट ऑर्डर के लिए, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, रिएक्शन कुछ इस तरह से बच्चे, एक्स कोई भी रिएक्टेंट है गैसियस फेज में, ये कन्वर्ट हो रहे हैं 3y इन गैसियस फेज एंड 2z इन गैसियस फेज, दिस इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब ये टेबल के फॉर्म में दिए हुए हैं कि इधर टाइम, इधर प्रेशर ऑफ एक्स, हाँ टोटल प्रेशर भी दिया जा सकता था जो हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे। रिएक्टेंट का ही प्रेशर, जीरो टाइम में इनके प्रेशर थे 200 mm ऑफ HG, और 10 मिनट में, टाइम मिनट में है, टाइम इज गिवन इन मिनट, इनका जो प्रेशर है बच्चे वो 50 mm हो गया है घट करके। कह रहा है फाइंड, तो टेबल बना लें, रिएक्टेंट का प्रेशर फाइंड टी 7/8 एंड रेट कांस्टेंट का यूनिट पर सेकंड में, रेट कांस्टेंट इन पर मिनट में, चलिए इन मिनट इनवर्स कैसे सॉल्व करेंगे? बिल्कुल सिंपल सा है वो, कैसे अगर प्रेशर के फॉर्मेट में इंफॉर्मेशन दिए हुए हैं, टाइम इंटरवल टोटल जीरो से लेकर के 10 तक, तो 10 मिनट के अंदर का,
तो टाइम टी मतलब 10 मिनट इज इक्वल टू, अब जानते हैं 2.303 हर कुछ तो के पे डिपेंडेंट है, लॉग ऑफ स्टार्टिंग प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट के प्रेशर है, डिवाइडेड बाय प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी। सो दिस इज इक्वल टू, ये सॉल्यूशन है 2.303 डिवाइडेड बाय के लॉग ऑफ स्टार्टिंग प्रेशर बच्चे तो 200 है, डिवाइडेड बाय फाइनल प्रेशर लेफ्ट ऑफ द रिएक्टेंट 50। सो आप बताइए व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ के, के का वैल्यू बताइए, तो के का वैल्यू आ जाएगा 2.303 डिवाइडेड बाय 10, 10 को उधर ले जाइए, लॉग ऑफ 4, लॉग 4 का वैल्यू बताइए बच्चे 0.6 रखिए, क्या आ जाएगा। और ये कह रहा है रेट कांस्टेंट तो आ गया और रेट कांस्टेंट डेफिनेटली पर मिनट में आएगा, उसके बाद टी हाफ लाइफ टाइम बताइए कितने आएंगे, सो टी हाफ इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाय इनटू लॉग 2 या 0.693 डिवाइडेड बाय के, ये ln2 बाय के या 0.693 बाय के का वैल्यू इस पे रख दें तो आ जाएगा 2.303 log 2 और k का वैल्यू आपने क्या देखा, k इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाय 10 log 4 को कह सकते हैं 2 log 2, सो दिस विल गेट कैंसिल, दिस विल गेट कैंसिल 10 बाय 2 दैट इज इक्वल टू 5। अब ये बताइए फाइनली व्हाट शुड बी टी 7/8, तो टी 7/8 आपने क्या पढ़ा, दिस इज 3 टाइम्स ऑफ हाफ आवर टाइम फॉर द फर्स्ट ऑर्डर, और हाफ आवर टाइम कितने मिनट के आए बच्चे 5 मिनट के, सो थ्राइस ऑफ हाफ आवर टाइम इज टी 7/8 फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ओनली इट विल बी 15 मिनट, रिएक्शन को 87.5% कंप्लीट होने में 15 मिनट टाइम लगेगा, और हम लोग ये पता कर सकते हैं कि कितना देर में कितना परसेंटेज रिएक्शन कंप्लीट होगा, वो प्रेशर के मेजरमेंट से कैलकुलेट किया जा सकता है। आपको इसी के साथ प्रॉब्लम कुछ प्रैक्टिस करने के लिए दिया जाएगा, डिस्क्रिप्शन में जाकर के चेक कीजिएगा, प्रैक्टिस कर लें, जिसका सोल्यूशन फिर अगले लेक्चर में दिया जाएगा। थैंक यू very much।